हेलो फ्रेंड्स फ्री एजुकेशन प्लस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है आज का हमारा टॉपिक है प्रपोजिशंस जिसे हिंदी में संबंध सूचक अव्यय या पूर्व सर्ग कहते हैं क्या कहते हैं संबंध सूचक अव्यय या पूर्व सर्ग कहते हैं आज हम जिस प्रिपोजिशन को पढ़ने वाले हैं वो है फ्रॉम जिसका हिंदी मैथ होता है से फ्रॉम का यूज से के लिए करते हैं जब किसी वाक्य में से आता है तो हम वहाँ पर फ्रॉम का यूज करते हैं जब किसी भाग में से आता है तो हम वहाँ पर फ्रॉम का यूज करते हैं लेकिन किन किन सिचुएशन में करते हैं इसको हम इस वीडियो लेक्चर में देखेंगे और जानेंगे और समझेंगे ठीक है तो चलिए सबसे पहले हम फ्रॉम का यूज करते हैं जगह के लिए किसी जगह के लिए हम लोग फ्रॉम का यूज करते हैं चलिए एग्जाम्पल समझते हैं एग्जाम्पल समझने के लिए हम लोग कुछ एग्जाम्पल लेंगे जिससे हम लोग समझेंगे कि फ्राम का यूज़ किस तरह से किया जाता है हमारा पहला सेंटेंस है रोहित कानपुर से आ रहा है कानपुर से कानपुर क्या है एक जगह है और यहाँ पर से आ रहा है तो किसी जगह से आ रहा है रोहित किसी जगह से आ रहा है कानपुर से तो ये सेंटेंस कैसे बनेगा रोहित इज कमिंग रोहित इज कमिंग फ्रॉम कानपुर कहाँ से आ रहा है कानपुर से कानपुर एक जगह है और जगह से रोहित आ रहा है तो कमिंग फ्रॉम कानपुर नेक्स्ट एग्जाम्पल हम स्कूल से आए स्कूल एक जगह है वो स्कूल से आए हम स्कूल से आए वी कैम फ्रॉम स्कूल वी कैम फ्रॉम स्कूल हम स्कूल से आए स्कूल एक जगह है तो जगह से आने के लिए फ्रॉम का यूज कर रहे हैं बी कैम फ्रॉम स्कूल वह मंदिर से आई मंदिर एक जगह है मंदिर से आई ही वह मंदिर से आई सी कैम फ्रॉम द टेम्पल सी कैंप फ्रॉम द टेम्पल वह मंदिर से आई सी कैम्प फ्रॉम द टेम्पल बे बाजार से आए बाजार भी एक जगह ही है तो से है इसमें से का यूज किया है तो से के लिए फ्रॉम का यूज करते हैं तो दे कैम्प फ्रॉम मार्केट दे कैम्प फ्रॉम मार्केट कहाँ से आए हैं मार्केट तो से तो, तो, तो ए तो यूज हुआ फ्रॉम का किसी जगह के लिए जिस तरह से अभी हमने फ्रॉम का यूज किया किसी जगह के लिए वैसे ही हम फ्राम का यूज करते हैं समय से यानी कि समय के लिए के लिए करते हैं समय के लिए यानी कि समय से किसी समय से चलिए एग्जाम्प इसको भी हम समझते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से कि किस तरह से सेंटेंस आते हैं और किस तरह से हम लोग फ्राम का यूज करते हैं समय के लिए तो हमारा पहला सेंटेंस है वो कल से काम करेगा कब से करेगा कल कल एक क्या है समय है और से आया है इसमें तो कल से काम करेगा तो यहां पर भी फ्रॉम का यूज होगा किस तरह से होगा सेंटेंस देखते हैं ही विल वर्क फ्रॉम टमोरो काम कब से करेगा कल से करेगा फ्रॉम टमोरो ही विल वर्क फ्रॉम टमोरो नेक्स्ट एग्जाम्पल रोहित चार बजे से पढ़ेगा रोहित चार बजे से यहाँ पर भी से आया है और टाइम भी दिया है चार बजे से तो यहाँ पर भी फ्रॉम का यूज हुआ ये सेंटेंस कैसे बनेगा रोहित विल स्टडी रोहित पढ़ेगा कब से फ्राम फोर ओ क्लॉक फ्रॉम फोर ओ क्लॉक तो यहाँ पर भी समय के लिए से यूज मतलब समय के लिए मतलब समय के साथ जो से है उसके लिए फ्राम का यूज किया जा रहा है ठीक है जिस तरह से अभी हमने फ्रॉम का यूज किसी जगह के लिए किया और समय के लिए किया वैसे ही हम फ्रॉम का प्रयोग किसी स्रोत के लिए भी करते हैं चलिए इसको भी एग्जाम्पल के माध्यम मतलब से समझते हैं हमारा एग्जाम्पल है उसने अध्यापक से सुना किसी स्रोत से सुना मतलब किसी ए, अध्यापक क्या है एक स्रोत है और किसी अध्यापक के जरिए उसने ये सुना है तो इस सेंटेंस में किस तरह से फ्रॉम का यूज करते हैं देखो इसमें देखते हैं ही He हियर्ड उसने सुना ही हेयर डेट उसने ये सुना फ्रॉम द टीचर किससे सुना टीचर से किसी स्रोत से फ्रॉम द टीचर उसने ये अध्यापक से सुना ही हेयर डेट फ्राम द टीचर नेक्स्ट एग्जाम्पल मैंने एक किताब से लिखा किस से लिखा किताब से किसी दूसरे स्रोत से मैंने ये लिखा तो यहाँ पर भी से का यूज किया है तो यहाँ पर भी हम लोग उसको फ्रॉम का यूज करेंगे कैसे करेंगे आई रोट इट मैंने ये लिखा कहाँ से लिखा था ये किताब से फ्रॉम द बुक आई रोट इट फ्रॉम द बुक नेक्स्ट एग्जाम्पल मोहित दुकान से पेन खरीद रहा है कहाँ से खरीद रहा है दुकान से दुकान एक स्रोत है ठीक है ये सेंटेंस कैसे बनेगा मोहित इज बाइंग मोहित खरीद रहा है मोहित बाइंग पेन मोहित पेन खरीद रहा है फ्रॉम द शॉप कहाँ से दुकान से फ्रॉम द शॉप मोहित इज इजबाइंग पैन फ्रॉम द शॉप तो इस तरह से हम लोग फ्रॉम का यूज तीन जगह के लिए करते हैं मतलब तीन स्रोतों के लिए करते हैं मतलब तीन सिचुएशन के लिए करते हैं आप जैसा भी समझ लें तीन सिचुएशन के लिए करते हैं कहाँ कहाँ के लिए करते हैं किसी जगह के लिए करते हैं किसी समय से समय के लिए करते हैं और किसी स्रोत के लिए करते हैं ठीक है हमें आशा है कि फ्रॉम प्रोविजन का यूज करना आपको आ गया होगा यानी कि समाज आ गया होगा आगे हम सभी प्रिपोजिशन को एक एक करके समझेंगे इसलिए आपको क्या करना है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसी तरह से वीडियो आगे आते रहेंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक